नमस्ते दोस्तों, आज यह कवि हूंकार आपके लिए एक ऐसा उपन्यास लेकर के आया है जो मात्र 3 पंक्तियों में समाप्त हो जाता है। याद कीजिएगा उन रमेश जी की 4 पंक्तियों को कि बहुत रोते हैं हम लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ कि मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। अब मैं आपको उपन्यास बताता हूँ, स्वामीनाथ पांडे जी का याद दिलाना चाहता हूँ कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, दूजा बेटा दूजे माले पर रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाया करती थी। दोस्तों, विधवा माँ 15 दिन दूजे बेटे के यहाँ खाना खाया करती थी, लेकिन उस माँ का यह दुर्भाग्य था दोस्तों, लेकिन उस माँ का यह दुर्भाग्य था। अगली पंक्ति में उपन्यास खत्म होगा। जरा सोचिएगा, यह उस माँ का एक दुर्भाग्य था कि जिस महीने में 31 दिन हुआ करते थे दोस्तों, उस महीने में उस विधवा माँ को 1 दिन का उपवास रखना पड़ता था। मेरे प्यारे दोस्तों, उस माँ के लिए आज इन बेटों ने दिखा दिया कि हम कितना कुछ माँ के लिए कर सकते हैं।